हरि एक मछुआरा था जो दरिया से रोज ताजी ताजी मछलियां पकड़ कर लाता था। उसकी पत्नी उर्मी गर्भवती थी। आ गए आप, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नको रे, तू इतना त्रास मत ले, मैं खुद बना लूंगा। अग भाई, ऐसा कैसा चलेगा? काय को नहीं चलेगा, अभी तेरी डिलीवरी में दिन ही कितने रह गए हैं। तू आराम कर, मैं है ना, मैं सारा काम कर लेगा। खाना भी मैच बनाएगा, घर की साफ सफाई भी मैच करेगा। हंसती क्यों है रे, अब सारा काम मैच करेगा। वैसे भी इस बच्चे के लिए पता नहीं कितनी मन्नत मांगी है तू। आज 10 साल बाद हमारे घर में पलना हिलने वाला है, मैं थोड़ा भी रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, अब आप ही करो सब कुछ। उस दिन से हरि घर का सारा काम और मछली पकड़ने का काम अकेले ही करने लगा। वो उर्मी को कोई भी काम करने नहीं देता था। हरि बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद उर्मी ने एक चांद से बच्चे को जन्म दिया। हरि की खुशियों में चांदनी लग गई। इस दिन का इंतजार उसे 10 साल से था। देवा रे देवा, उर्मी बग, हमारा बेटा कितना प्यारा है। होगा ही, आपका बेटा जो है। वैसे अब इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम जय रखेंगे। वाह, अच्छा नाम है। बच्चे के जन्म से हरि और उर्मी दोनों बहुत खुश थे। अब से हरि रोज जल्दी घर लौटता था। अग भाई, ये उड़ा लौकर। हाँ, मुझे मेरे जय के साथ जो खेलना था। एक काम करो ना, इसे भी अपने साथ दरिया पार ले जाओ। वैसे सुझाव बुरा नहीं है। काय पण? इसके साथ इसकी माँ को भी ले जाऊँ तो? क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैं तुम दोनों को दरिया घुमाने ले चलूंगा। सच्ची? हाँ। वाह, मैं तो सालों से दरिया पार नहीं गई। कल चलेगी ना? होए। उर्मी बहुत खुश थी, वो समंदर की सैर करने जाने वाली थी। अगली सुबह हरि और उर्मी अपने बच्चे के साथ समंदर के किनारे पहुँचे। हरि ने उर्मी को नाव में बिठा दिया और फिर वो लोग सैर पर निकल गए। हरि चप्पू चला रहा था और उर्मी समंदर की सुंदरता निहार रही थी। कितनी सुंदर है ना? हाँ, दरिया के बीच में चलते हैं, वहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर है। सलामत। हरि नाव को दरिया के बीचों बीच ले गया। चारों ओर बस समंदर ही समंदर था। ले भारी। मैंने बोला था ना, तुझे ये नजारा पसंद आएगा। हाय, बहुत सुंदर है। हरि और उर्मी एक और दरिया देख ही रहे थे तो दूसरी ओर दरिया में बड़ी बड़ी लहरें बनने लगी। जब तक हरि का ध्यान लहरों पे गया, वो लहर उनकी नाव के बहुत नजदीक आ चुकी थी और बस लहरों ने नाव को पलट दिया। उर्मी, हरि और जय तीनों अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। उर्मी, उर्मी, मेरा बच्चा कहाँ है? हरि को उर्मी मिल गई पर बच्चे का नामो निशान नहीं था। हरि ने रोते रोते उर्मी को किनारे तक लाया और फिर किनारे पर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मेरा जय, मेरा जय। मेरा बच्चा। दस साल बाद हरि और उर्मी को बच्चा हुआ तो वो भी भगवान ने उनसे छीन लिया। नन्हा जय समंदर की लहरों में बहते बहते पहाड़ी वाली किनारी पर पहुंचा। तभी एक सपेरे का ध्यान बच्चे के रोने पर गया। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे बाप रे! सपेरे ने झट से बच्चे को पानी से उठा लिया। इसके माता पिता कौन होंगे? कहीं वो दोनों भी तो समुद्र में नहीं डूब गए? अरे रे रे, यही होगा, कोई और तो आसपास दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दरिया ने उन्हें छीन लिया। अब इस बेचारे बच्चे का क्या होगा?
लगता है भगवान ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आज से मैं ही इसका परिवार हूँ। नथु सपेरा बच्चे को अपने साथ ले गया। उसने बच्चे की अच्छे से देखभाल करना शुरू की। अब नथु ही उस बच्चे का सब कुछ था। अरे रे रे रे, मुन्ना को भूख लगी है, ये देख बाबा तेरे लिए दूध लाया है। नथु अकेले रहता था और अब उसे अपने जिंदगी का साथी मिल गया था। ये छोटा बच्चा बचपन से सांप के साथ खेलता था। नहीं मुन्ना, ऐसे नहीं, सांपों को ऐसे नहीं पकड़ते, वो तुम्हें डस लेंगे। नथु बचपन से ही मुन्ना को सांपों को पकड़ना सिखाने लगा और जब मुन्ना बड़ा हुआ तो वो पलक झपकते ही जहरीले से जहरीले सांप पकड़ने लगा। ये देखो बाबा, मैंने कोबरा पकड़ा है। ये हुई ना बात, तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही बेटा है। कोई शक बाबा? अब से आसपास के गांव में अगर कोई भी सांप आ जाता तो वो लोग मुन्ना को ही बुलाने आते थे। काका, मुन्ना भैया हैं क्या? क्या काम है? वो हमारे गांव में सांप आ गया है तो उसे पकड़ना है। ठीक है। अरे मुन्ना जा भाई, तुझे बुला रहे हैं। ठीक है पिताजी, अभी गया और अभी आया। धीरे धीरे नथु की तबीयत खराब रहने लगी। मुन्ना परेशान था, उसका सब कुछ नथु ही तो था। बाबा, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। रुक जा बेटा, मुझे तुझे एक सच बताना है। मैं दवाइयाँ लेकर आ जाऊँ फिर बता देना। नहीं बेटा, तुझे अभी सुनना होगा। तू मेरा खून नहीं है। आज से 20 साल पहले मैं पहाड़ी के पास बैठा था, तभी मुझे तेरे रोने की आवाज सुनाई दी। तू समुंदर में बहकर यहाँ आया था। क्या? उस दिन मैंने तेरे माता पिता को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। तो मैंने मान लिया कि शायद वो डूब गए होंगे, और इसलिए मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। तो क्या मेरे माता पिता जिंदा हो सकते हैं? शायद हाँ और शायद नहीं भी, पर तुझे उन्हें ढूंढने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है बाबा। मुन्ना, कभी अपने बाबा को भूलना मत। ये आखिरी शब्द कहकर नथु ने अपने प्राण छोड़ दिए। बाबा! नथु के जाने से पहले मुन्ना बहुत दुखी था, पर अब उसके दिमाग में अपने असली माता पिता को ढूंढने का जुनून सवार था। क्या मेरे माँ बाबा जिंदा होंगे? अगर होंगे तो कहाँ होंगे? कहीं वो मर तो नहीं गए? पर अगर जिंदा होंगे तो मुझे एक कोशिश करनी ही चाहिए। और इस उद्देश्य से मुन्ना नाव लेकर निकल पड़ा उसी समंदर की सैर पर अपने माता पिता की खोज में। आज 20 साल बाद वो वापस उसी जगह था, समंदर के बीच में। और ठीक 20 साल पहले की तरह आज भी उसके सामने बड़ी बड़ी लहरें आ गई, और इस बार भी लहरों ने उसकी नाव तोड़ दी। बचाओ, बचाओ! मुन्ना तैरने की कोशिश कर रहा था, पर गहरे समंदर में वो तैर नहीं पा रहा था। उसकी आवाज सुन एक मछुआरा अपनी नाव लेकर उसके पास आया। बेहोशी के आलाम में उसने मुन्ना को अपनी नाव पर खींचा और फिर उसे अपने घर ले आया। वहां वैद्य ने मुन्ना का इलाज किया। कई दिन तक मुन्ना बेहोश था। फिर एक दिन एक सांप हरी की झोपड़ी में घुस आया। सांप! सांप! सांप की फुनकार सुनकर मुन्ना को होश आ गया। मुन्ना ने तुरंत ही उस सांप को पकड़ लिया। अरे देवा, वो तुझे काट लेगा बेटा। आप डरो मत माँ जी, मैं सपेरा हूँ, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। मुन्ना ने उस सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया। अरे देवा, तूने तो हमारी जान बचा ली, धन्यवाद बेटा। आपका भी धन्यवाद, मुझे तो लगता था कि उन लहरों में मैं मर ही जाऊंगा। बेटा, तू मछुआरा तो नहीं है, तो तू गहरे समंदर में गया ही क्यों था? अपने माता पिता को ढूंढने के लिए 20 साल पहले इसी समुंदर में वो मुझसे बिछड़ गए थे। जय!
बेटा, तू हमारा ही बेटा है, हमारा जय। 20 साल से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। माँ, बाबा, आखिर मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। मुन्ना ने अपने माता पिता को गले लगा लिया। जिस समंदर ने जय को उसके परिवार से अलग किया था, आज उसी समंदर ने उन्हें मिलवाया था। इसे ही तो कहते हैं नियति का नया। बिछड़े हुए बेटे को आखिर अपना परिवार मिल ही गया।